हाय, काली माँ की तरफ से आपके लिए साइन आ गया है। ये रीडिंग में मैं देखूंगा अपकमिंग 24 आवर्स में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, काली माँ किस तरीके से आपके लाइफ को गाइड कर रहे हैं। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक सलाह है। चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, माँ माँ होती है, माँ को फॉलो कीजिए। एंड डेफिनेटली रीडिंग को इंट्यूटिवली देखिए, कलेक्टिव है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि मैं प्राइवेट रीडिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ और स्पॉन्सर करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली, काली के पापोहरणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमोस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स की पास्ट क्या था, देखिए पास्ट में जो मैसेज आया है वो है मंत्रा शक्ति। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपका तबीयत या फिर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं था, और माँ आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने मन में बहुत कुछ दुश्चिंता लेके चल रहे थे, बट आपको एक चीज माँ याद दिला रहे हैं कि मन के अंदर एक शक्ति होता है, और उस शक्ति को आप मंत्र चैंटिंग से, अफर्मेशन से, विजुलाइजेशन से एक्टिवेट कर सकते हो। और जैसे मन का शक्ति एक्टिवेट हो जाता है, वही शक्ति आपको शक्तिशाली बनाते हैं, और वही शक्ति मैनिफेस्टेशंस में आपको मदद करते हैं। सो ये जो हम लोग मंत्र चैंट करते हैं, ये सिर्फ कुछ चीज़ को पाने के लिए नहीं, ये हमारे मन के अंदर जो नेगेटिव अटैचमेंट्स होते हैं, नेगेटिव पास्ट होते हैं, उनको हटाने के लिए करते हैं। एवरी बीज मंत्रा का एक अलग अलग मीनिंग होता है, और एवरी बीज मंत्रा बहुत पावरफुल होता है। पुराने दिनों में ऋषि मुनि बीज मंत्र को यूज करके लोगों को एकदम उनके तबीयत को ठीक कर देते थे, अगर किसी का प्रॉब्लम होता था तबीयत में। एंड युद्ध में भी ये लोग बीज मंत्र को यूज करते थे। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आप फंसे हुए थे, आपके माइंड फंसे हुए थे, और माँ आपको एक मंत्र शक्ति से बाहर लेके आ रहे। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ओवरथिंकिंग आप कर रहे थे, तबीयत ठीक नहीं था, किसी पर्सनल प्रॉब्लम में बहुत बिजी थे, या फिर ऐसे ही आपके मन कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंडर था। और माँ आपको बोल रहे हैं कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पास मौका है, आप कहीं पर भी अपना मंत्र शक्ति को यूज करके अपने मन को वापस एक स्टेबल स्थिति में ले आ सकते हो। मन के ऊपर काम कीजिए। माँ आपको बोल रहे हैं कि पास्ट के इश्यूज ऑटोमेटिकली सामने आ सकता है, आप स्टक फील कर सकते हो, गिल्ट फील कर सकते हो, किसी पास्ट के बारे में सोच के दिन बर्बाद कर सकते हो, पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट को लेकर ब्रूड कर सकते हो। प्लीज बी वेरी केयरफुल, पास्ट को आगे आने मत दो, पास्ट को खुद को कंट्रोल करने मत दो, पास्ट को लेके मत बैठे रहो। इस टाइम पे माँ बोल रहे हैं कि अगर मन में बहुत नेगेटिविटी है या फिर डर है, मंत्र चैंट रिपीटेटिव वे में मंत्र चैंटिंग करिए, अपने तरीके से मंत्र चैंटिंग करिए, और अपने मन को ट्रेन कीजिए एंड अपने मन को पावरफुल बनाइए। माँ और एक सलाह दे रहे हैं आपको कि पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट आप कि फ्यूचर को रोक नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या आपको एक सेकेंड चांस मिलेगा, क्या आपको एक मौका मिलेगा, क्या आप रीबिल्ड कर सकते हो, क्या आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, या फिर क्या आप अपने मन की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। यस, जी हाँ, कर सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर सीरियस थे, और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़े। तो द आंसर इज हियर, मंत्रा चैंट कीजिए। जितना ज्यादा चैंटिंग आप करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में मैं आपको क्या गाइड दे रहे हैं, क्या गाइडेंस आपको प्रेजेंट सिचुएशंस में। ओके, प्रेजेंट सिचुएशंस में आपका मैसेज है दक्षिणा काली माँ, यानी कि कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है अगर जिंदगी में आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए परिश्रम करना होगा। डर, काइंड ऑफ दुश्चिंता, एंग्जाइटी, जो भी आप कह लो, ये तो लाइफ का एक पार्ट है। तो आप अपने हिस्सों से क्या सरेंडर करना पसंद करोगे, क्या आप दक्षिणा के स्वरूप क्या आप माँ के सामने ले आ सकते हो। वेल, हम लोग जब कोई गुरु से शिक्षा लेते हैं तो हम लोग गुरु दक्षिणा देते हैं। सो दक्षिणा काली को आप क्या दे सकते हो, वही तो ये ब्रह्मांड को बनाए हैं। तो माँ कोई गिफ्ट से तो नहीं भूलेंगे, और ये कोई टोकेनिस्टिक चीजें नहीं है कि आप माँ को कुछ खुश करने के लिए कुछ करोगे और माँ खुश होकर आपको कुछ ब्लेसिंग्स दे देंगे। नो,
माँ को आप दे सकते हो अपनी मतलब माँ को आप सरेंडर कर सकते हो एंड माँ को आप अपनी डेडिकेशन शो कर सकते हो, माँ को कंसिस्टेंटली आप प्रे कर सकते हो, डेली प्रे कर सकते हो, माँ के सामने आप सब कुछ बोल सकते हो, माँ को अपना अटेंशन दे सकते हो, माँ को अपना प्रायोरिटी बना सकते हो। तो इस वक्त माँ आपको बोल रहे हैं कि इस प्रेजेंट सिचुएशंस में चाहे कितना भी डरे हुए आप क्यों ना हो, याद रखिए एक चीज कि माँ के सामने अभी भी आप एक बच्चे हो, माँ आपको गाइड करेंगे, माँ से पूछो, माँ के पास हर क्वेश्चन का आंसर्स है और माँ आपको सलाह दे रहे हैं कि आप डरो मत, ओके, फ्यूचर में कुछ खराब नहीं होगा, प्रेजेंट सिचुएशंस पे डट के खड़े रहना है, आगे बढ़ते जाना है, सिचुएशंस अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाएगा, ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं आप डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, लाइक ये रीडिंग देखने के बाद भी आप माँ के साथ पूजा करो, माँ के साथ बैठो, माँ को जर्नलिंग करो, लाइक माँ के सामने चिट्ठी लिखो, जैसे कि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते तो वो भी माँ के साथ कंप्लीटली बात करो। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज ऐसे है जहां पे आपको सच में मदद की जरूरत है और आई थिंक आप किसी चीजों को अपने तरीके से करना पसंद कर रहे हो। आप करो अपने तरीके से ही करो, बट याद रखिए एक चीज कि आपके परसेप्शंस बहुत लिमिटेड है, आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो बहुत लिमिटेड सोच है और माँ अनलिमिटेड है, माँ को सब कुछ दिखता है, माँ को आपके लास्ट लाइफ भी पता है और नेक्स्ट लाइफ भी आपको पता है। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशंस में अगर आप माँ के सामने सब कुछ सरेंडर कर देते हो तो माँ ऑटोमेटिकली चीजों को ठीक कर देंगे। सेकेंडली, अगर आप ही ओवर थिंक करते करते अपना काम को नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग का। कुछ चीज ऐसे है जिसको आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, कुछ चीज ऐसे है जहां पे आपको भरोसा करना है, जहां पे आपको ट्रस्ट करना है। सो जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसको नजरअंदाज मत करो, जो भी आपको एडवाइस मिल रहा है, जो भी आपके सामने चांसेस आ रहे हैं उसका सही उपयोग करो। आप ऐसे मत करो कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, लाइक ऐसे नेगेटिव माइंडसेट से मतलब स्पॉइल स्पोर्ट मत बनो। आपको माँ बोल रहे हैं कि अगर आप अपने अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं करोगे सो ऐसा होगा कि आपको माँ गिफ्ट दे रहे हैं, आप बोल रहे हो नो थैंक्स, ऐसे मत बोलिए। दक्षिणा काली का मतलब माँ आपको गिफ्ट दे रहे हैं बट इसके बदले में आपको भी कुछ देना होगा। सिंसियरली प्रेयर करिए, डेडिकेशन से प्रे कीजिए, सीरियस बनिए, प्रायोरिटी बनाइए, अपने पैशन को लेके काम करते रहिए और सोल पर्पस को लेके आगे बढ़ते रहिए, ऑटोमेटिकली लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। दक्षिणा काली माँ मंत्र शक्ति साफ बात कर रहे हैं आपको मन को और तेज बनाना होगा। जैसे आप दक्षिणा काली माँ के मंत्र चैंटिंग करोगे प्रेजेंट सिचुएशंस में दरवाजे खुलता रहेगा, प्रेजेंट सिचुएशंस आपको डराएंगे नहीं और ऑटोमेटिकली आप जो चीज़ करने से आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, जो चीज़ आसानी से नहीं हो पा रहा था वो डिफिकल्ट टास्क भी आप कंप्लीट करोगे। आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आने वाले 24 आवर्स में मैं देख सकता हूँ, माँ भी बोल रहे कुछ डिफिकल्ट टास्क आप कंप्लीट कर रहे हो, कुछ सिचुएशंस जिसको आपको लग रहा था कि आप नहीं कर पाएंगे या फिर जो बहुत ज़्यादा डरावने आपको पहले लग सकता था या फिर पहले लग सकता है वो सब टास्क देखिए कि वो बहुत डरावना है, चैलेंजिंग है, बट चैलेंजिंग टास्क को आप अपकमिंग 24 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हो। खास करके प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको अपना माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है, विश्वास करके आगे बढ़ते जाना है, प्रॉब्लम्स को लेके ज़्यादा सोचना नहीं है, सॉल्यूशंस के बारे में आपको सोचना है। हमेशा एक ही चीज़ याद रखिए कि माँ है, माँ आपको कंस्टेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ आपको गाइड कर रहे हैं, आप कभी मिसलीड नहीं हो सकते, माँ आपको कभी छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आपके गुरु है माँ, सो गुरु को दक्षिणा दीजिए। तो आप इस टाइम से कहीं ना खुद को प्रॉमिस कीजिए कि कितना सिंसियरली आप और कितना सिंसियरली आप काम को कर सकते हो और कितना मेच्योरली आप काम को कर सकते हो और क्या चीज़ आप माँ के सामने सरेंडर कर सकते हो और माँ को क्या दक्षिणा आप दे सकते हो। काइंड ऑफ ये बात जब भी आप सोचने स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो विश्व ब्रह्मांड को क्रिएट किए हैं तो उनके सामने क्या टोकन आप दोगे, उनके सामने आपको कुछ ऐसे देना होगा जो आपके अंदर है और वो है आपकी भक्ति, वो है आपके जो आप मैं बोलूंगा कि वो है आपके प्यार, वो है आपके डेडिकेशन। सो प्यार, भक्ति, डेडिकेशन जो भी आप बोल लो, कंसिस्टेंटली अगर आप माँ से मदद मांगोगे तो आपको भी मदद माँ से मिलेगा, माँ की कृपा 24 आवर्स में आपके सामने आ रहे हैं। भले आपके अभी के सिचुएशंस कितना भी टफ क्यों ना है, 24 आवर्स में आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में बदलाव आएगा, पॉजिटिव चेंजेस दिख जाएगा, ब्रेक थ्रू मिलेगा और जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, माँ से मांग रहे थे कि
माँ कुछ अच्छा काम हो जाए, कुछ अच्छा चीज हो जाए, आपको वो रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, क्योंकि माँ आपके विश को ग्रांट कर रहे हैं, आपका एक विश फुलफिल हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। अब मैं देखूंगा कि 24 आवर्स के एंड में जाके क्या रिजल्ट्स आपको मिल रहा है। लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आपको मिलेगा, माँ क्या रिजल्ट्स के पास आपको लेके जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ललिता त्रिपुर सुंदरी, इसका मतलब है कि एक प्रॉपर बैलेंस आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। त्रिपुर सुंदरी, अपर वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड एंड अंडर वर्ल्ड, ये तीनों वर्ल्ड के देवी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की देवी, ओके, त्रिलोक के देवी है त्रिपुर सुंदरी। और ये कार्ड साफ दर्शाते हैं कि आपके कार्मिक बैगेजेस खत्म हो रहा है, आप खूबसूरत बन रहे हो, आप और ग्रेसफुल बन रहे हो, आपका जो गुड कर्मा है वो टेनफोल्ड रिटर्न्स होके आपके सामने आ रहे हैं। ऑफ कोर्स त्रिपुर सुंदरी माँ जब आते हैं तब आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आते हैं, तब दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, हेल्प अपने आप आ जाते हैं, कहीं ना कहीं जो काम आप 7 साल से कर रहे थे, 10 साल से कर रहे थे, 20 साल से कर रहे थे, वो काम चुटकी में हो जा सकता है। सो, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बढ़िया ब्रेक थ्रू आ रहा है, और इस ब्रेक थ्रू से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को आगे लेके जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि सोल पर्पस करीब आ रहे हैं, यू नो, आपके सामने अपना आपका जो गोल है वो दिख जाएगा, आपके सामने आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है ये समझ में आ जाएगा, लाइक दरवाजे ओपन हो रहे हैं, माँ आपके सामने आपके गोल को लेके आएंगे, आपके सोल पर्पस को लेके आएंगे, आपके सोल पथ को लेके आएंगे। और त्रिपुर सुंदरी मतलब क्या है कि आप में से जो लोग साइकिक हो, जो भी गुड कर्मा कर रहे हो, सेल्फलेसली जो अपने परिवार के लिए आप काम करते जा रहे हो, दोस्तों के लिए काम करते जा रहे हो, या फिर सेल्फलेसली समाज के लिए काम करते जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या आ रहा है कि अनकंडीशनली माँ आपके लाइफ में भी अबंडेंस लेके आ रहे हैं। सो ऑफ कोर्स ब्यूटी, अबंडेंस, विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस आ रहा है, साथ ही साथ कुछ दरवाजे को आप बंद कर रहे हो। मतलब क्या है कि कुछ खराब साइकल्स ऐसा था जो जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मान लीजिए कि कोई टॉक्सिक चीज़ें जो आपके लाइफ के साथ अटैच था, वो हो सकता है किसी के नेगेटिव एनर्जी, किसी के बुरे नज़र, किसी के राइवलरी, या फिर किसी खराब अटैचमेंट, जो भी था, त्रिपुर सुंदरी माँ जब आते हैं तो आपके सोल को प्योरीफाई करते हैं, पास्ट कार्मिक कनेक्शंस को खत्म कर देता है, नेगेटिव चीज़ जो आपको रेपुटेशंस को हार्म कर सकता है, या फिर जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम में रख सकता है, वैसे प्रॉब्लमेटिक टॉक्सिक चीज़ों को माँ हटा देता है। सो कहीं ना कहीं अपकमिंग 24 आवर्स में एक फुल एंड फाइनल रिजल्ट्स आ रहा है, क्लैरिटी आ रहा है, ब्रेक थ्रू आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सही डिसीजंस ले रहे हो, जो डिसीजंस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा, जो डिसीजंस शायद एक बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, जैसे कि घर चेंज करना, जॉब चेंज करना, लाइफ के पर्पस के बारे में सोचना, अल्टीमेट गोल के बारे में सोचना। त्रिपुर सुंदरी जब आते हैं तब आप को माँ एज अ मदर गाइड करते हैं कि हाँ, जब आपको थोड़ा सा बूस्टअप की ज़रूरत है, मोटिवेशंस की ज़रूरत है, तब त्रिपुर सुंदरी माँ आके आपको मोटिवेट करते हैं। कहीं ना आपको पता चलेगा कि आपके अंदर की खूबसूरत चीज़ें क्या है, आपको अपने अंदर की इनर ब्यूटी पता चलेगा। त्रिपुर सुंदरी मतलब ये भी है, शायद ऐसा है कि आप दूसरों के समाज में फिट होने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जैसे तैसे करके आपको लग रहा था कि यू नो, दूसरे लोग जिस तरीके से लाइफ को जी रहे, आप भी उनके रैट रेस में शामिल होना चाहते थे, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट आपको ऐसा लग रहा था कि लोग आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना त्रिपुर सुंदरी माँ आके आपको समझाते हैं कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट हाउ दे आर वर्किंग, इट्स नॉट अबाउट कि लोग कैसे अपना काम कर रहे हैं, इट्स अबाउट कि आप कितना खुश होकर अपना काम कर रहे हो, आप कितना खुश होकर अपना लाइफ को जी रहे हो, आप कितना खुश होकर अपना पैशन को फॉलो कर रहे हो। और जब आपको ये चीज़ पता चल जाता है कि हाँ, कि आप जो भी काम कर रहे हो ये चीज़ आपके लाइफ में खुशियाँ लेके आते हैं और खुशियाँ लेके आ रहे हैं, तो काइंड ऑफ आपको समझ में आ जाता है कि वही है आपके सोल पर्पस, वही है आपके डेस्टिनी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये एहसास एक बार किसी को हो जाता है कि हाँ, कुछ काम करने से आपको सुकून मिलता है, तब आप वही काम को दौड़ाते हो और एक दिन एक्सपर्ट बनते हो। तो माँ आपको एक साइन दे रहा है कि विद इन 24 आवर्स में आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्या है आपके नेक्स्ट पथ, क्या है आपके नेक्स्ट रूट, किस तरीके से आप एक्सपर्ट बनोगे। अब ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, बट डेफिनेटली आपके अंदर वो मदरली जो गुण है वो आ रहा है,
आप मच्योर हो रहे हो, आपका हौसला वहां बढ़ा रहे हैं, आपको आगे लेके जा रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं, आप डिस्कम्फर्ट से डर नहीं रहे हो, आपको फ्यूचर से डर नहीं रहे हो, रेदर आप ग्रेसफुली चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, ग्रेसफुली चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो और एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो. सो आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सॉर्टेड होगा. और त्रिपुर सुंदरी माँ आपको बोल रहे कि मंत्रा शक्ति दक्षिणा महाकाली आपके साथ है. त्रिपुर सुंदरी माँ आके जो भी पास्ट एंड प्रेजेंट में जो भी गलत चीज जाने अनजाने में आप किए हो, वो चीजों को माँ सॉल्व कर दे रहे, वो कार्मिक मिस्टेक्स को, वो कार्मिक बैगेजेस को माँ हटा दे रहे. त्रिपुर सुंदरी जब रीडिंग में आते हैं, इसका मतलब है कि फ्यूचर में कुछ बढ़िया चीज वेट कर रहे हैं आपके लिए. 24 आवर्स में सुकून तो मिलेगा ही, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ अचीवमेंट आपको मिलेगा. ये हो सकता है कि रियलाइजेशन के, हाँ आपको पता चल पाएगा कि आपने सही तरीके से खुद को हील किए हो, सही तरीके से लाइफ को लीड किए हो. ये अचीवमेंट आप खुद को दे सकते हो, ये अचीवमेंट आपको मिल सकते हैं आपके हायर अथॉरिटीज से. भरोसेमंद आप बन रहे हो, फैमिली के लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, वो लोग सपोर्ट करेंगे आपको, तो आपको इनसिक्योर फील नहीं होगा, रेदर आप बहुत ब्राइट फील करोगे, लाइट फील करोगे, अबंडेंस को फील करोगे. घर के अंदर कुछ बहुत बड़ा अच्छा चीज हो रहा है या फिर कुछ गुड ब्लेसिंग्स, मतलब गुड न्यूज एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में, कुछ ब्लेसिंग्स एंटर कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई प्लान अगर आप कर रहे हो, शादी रिलेटेड कोई बातें अगर चल रही है, या फिर एडॉप्टेशंस के लिए कोई बातें चल रही है, घर खरीदने के लिए कोई बात चल रहा है, तो वो डील फुल एंड फाइनल हो रहा है. तो कुछ डील मैं देख रहा हूँ कि फुल एंड फाइनल हो रहा है और काइंड ऑफ आप अपने मन बना रहे हो कुछ चीज़ के लिए और वही चीज़ होता रहेगा. मुझे ये लग रहा है कि परमानेंट हो जा रहे हो, किसी के काम परमानेंट हो जा रहे हैं, रिश्ता परमानेंट हो जा रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है. तो जो भी हो रहा है फास्ट फॉरवर्ड वे में हो रहा है और ये होना चाहिए था, ये खुशी आप डिजर्व करते हो. आज इस टाइम पे मैं रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ त्रिपुर सुंदरी, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टेरोटनी बन. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल. बाय बाय, टेक केयर. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और नए वीडियोज के साथ.